हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास सिक्स की मैथ 13.1 का एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है। बहुत ध्यान से पढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हमसे क्या कह रहे हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स लाइंग इन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर ऑफ द फॉलोइंग। ये ट्राइंगल शेप करके दिए गए और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको इनमें से बताने हैं कि कौन से पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है और कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हमें एक्सटीरियर पॉइंट बता दीजिए, एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, और इंटीरियर पॉइंट बता दीजिए कि इंटीरियर पॉइंट कैसे हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो पढ़ाएंगे आपको, इसमें रूल और ट्रिक भी पढ़ाएंगे कि कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन अलर्ट प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते रहते हैं, तो इसलिए चैनल पर साथ जरूर जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर दिए गए ट्राइंगल शेप में आपको बताना है एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं, एक्सटीरियर का मतलब समझिए, एक्सिट मतलब एग्जिट, एक्सटीरियर बना हुआ एग्जिट, और एग्जिट होता है बाहर के लिए, एग्जिट क्या कहते हैं बाहर। तो इस ट्राइंगल के जो बाहर बाहर आपको पॉइंट दिखे वो होंगे एक्सटीरियर। जैसे पी मिल रहा है तो आप यहां पे पी लिख लो कॉमा, इसके बाद देखिए बाहर एक पॉइंट हमको एन मिल रहा है तो एन लिख लीजिए कॉमा, इसके बाद देखिए एक ई पॉइंट हमको मिल रहा है तो यहां पर क्या लिख लेंगे ई लिख लेंगे, दैट इज अ राइट आंसर। यानी पी कॉमा एन कॉमा एन ई, यानी ये थ्री पॉइंट्स जो हमें दिख रहे हैं यही है एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट की बात करते हो तो इन मीन्स अंदर, इन मीन्स क्या होता है अंदर, तो जो ट्राइंगल्स के अंदर मिले। तो देखिए ये जो अंदर हमें दिख रहा है ये है आपके इंटीरियर पॉइंट। तो कौन कौन से, जी कॉमा ओ कॉमा आई और कॉमा एल, तो ये फोर पॉइंट्स हमको मिले हैं जो कि है इंटीरियर पॉइंट, दैट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट हो गए बिल्कुल इजली है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक्सटीरियर में जो आपको एग्जिट मतलब बाहर, जो बाहर के पॉइंट दिखे वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं, और इन मीन्स अंदर, तो इंटीरियर पॉइंट जो आपके अंदर दिखे उन पॉइंट को वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज अ राइट आंसर। कंप्लीट हो गए। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजली थे, एक क्वेश्चन इसी में आज हम इसी में और पढ़ाएंगे और फिर एक्सरसाइज 13.1 आपकी एंड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप हमें जरूर लिख सकते हैं। चलिए पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी में क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं और इसमें आपको पढ़ा रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन। इस तरह के शेप्स आपको दिए जाएंगे और बताना होगा आपको इसमें पॉलीगॉन है या नहीं, यानी कौन कौन से पिक्चर जो दिए गए डायग्राम फिगर दिए गए इनमें बताने कौन से पॉलीगॉन है या नहीं है। तो बिल्कुल इजली है, मैं आपको वहां पर बता दूं, जो क्लोज्ड फिगर हो यानी जो शेप यहां पर कहीं से ओपन ना मिले, पूरा क्लोज हो, ये पूरा आपको क्लोज ही है, ये पूरा क्लोज हो तो दैट इज अ पॉलीगॉन। तो ये आपको पॉलीगॉन मिल जाएगा, ये भी देखिए पूरा क्लोज है तो ये भी पॉलीगॉन है, ये देखिए थोड़ा सा ओपन हो गया यानी यहां पर कोई साइड ही नहीं है तो ये पॉलीगॉन नहीं है, और ये भी देखिए ओपन है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, और ये भी क्लोज है तो ये भी पॉलीगॉन है। तो ए बी और ई ये है पॉलीगॉन, यानी क्लोज्ड जो फिगर होते हैं उन्हें पॉलीगॉन कहते हैं, और जो ओपन फिगर होते हैं उन्हें पॉलीगॉन नहीं कहते। बस इतनी सी आपको यहां पर सोल्यूशन करना था। अगर आप उस तरह दिया जाए तो उसके नीचे लिख दीजिए इट इज अ पॉलीगॉन, इट इज अ पॉलीगॉन, इट इज नॉट पॉलीगॉन, इट इज नॉट पॉलीगॉन, इट इज पॉलीगॉन, दैट इज अ राइट आंसर। तो ये भी कंप्लीट वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 13.1 यहां से एंड हो गई है। आगे आने वाली वीडियोस में हम 13.2 पढ़ाएंगे, बहुत जल्द आपको सभी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स पढ़ते हैं आपके, आप सभी फ्रेंड को अपने शेयर जरूर करें। चैनल पर जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शाम को 6 बजे आपको वीडियो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उस समय आप पढ़ सकते हैं, तुरंत क्लिक करके उन सभी वीडियोज को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप ये आपको सभी क्लासेस समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप हमें जरूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।